हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम नवरात्र व्रत में खाने के लिए चुलाई के लड्डू बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं चुलाई के लड्डू। ये मम्मी ने अंगीठी में आग जला ली है और लड्डू बनाने के लिए गुड़ पका रही है कढ़ाई में। इधर मैं चुलाई छान रही हूँ। चुलाई को छानना इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें डस्ट होती है, तो डस्ट वगैरह जो है सब निकल जाती है। तो ये रख दी कढ़ाई और कढ़ाई में पका रहे हैं गुड़। अभी गुड़ चुलाई सारी छान ली है मैंने। धीरे धीरे पक रहा है। ये गुड़ हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है, ये अप्रैल में ही बनाया था जब गन्नों का सीज़न ख़त्म होने लग रहा था, तब बनवाया था गुड़। और तब से देख लो, बारिश होने के बाद चाहे इसको कितने ही एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लो तब भी काला पड़ जाता है। पता नहीं क्या बात है, गुड़ कितना ही बचा लो उसको काला पड़ ही जाता है। ये तो ये हमारा घर का ही गुड़ है। धूप में सुखाने के बाद हमने डिब्बे में रखा था तब भी काला पड़ गया। तो देखिए ये गुड़ पक रहा है, अच्छे से पक गया है, पर इसे तब तक पकाना है जब तक कि एक तार की चाशनी ना बन जाए, एक तार ना बनने लगे इसमें। ये मम्मी चमचे से ऐसे करके देख रही हैं कि तार बन रहा है क्या। तो अभी बन नहीं रहा है तार इसमें, अभी और पकाना है इसको। शाम के ऐसे 5:30 या 6:45 हो रहे हैं, अंधेरा भी होने लग रहा है धीरे धीरे। ये देखो चाशनी पक के तैयार हो गई है, अब इसको हम चूल्हे अंगीठी से नीचे उतारेंगे। अब कैमरा आ गया है वीर के हाथ में, इसलिए इतना हिल रहा है। ये इसमें डाल दिया चुलाई में हमने चाशनी। अब इसको अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये गरम गरम ही डाली जाती है चाशनी चुलाई में, क्योंकि गरम गरम चाशनी डालने के बाद ये लड्डू बनते हैं अच्छे से, वरना लड्डू टूट टूट जाते हैं। इसको अच्छे से मिला रही है मम्मी। ये वीर इतना कैमरा हिला रहा है बहुत। अच्छे से मिला रही हैं इसको। ये बांधने की कोशिश कर रही थी पर बहुत ज़्यादा गर्म था, हाथ जल रहे थे, तो फिर मैंने वापस इसी में डाल दिया। ये पानी के हाथ लगा लगा के बनाने पड़ते हैं लड्डू, ये गर्म था बहुत ही।
अभी जल्दी जल्दी बनाने पड़ेंगे लड्डू, वरना अगर चाशनी ठंडी हो गई तो लड्डू बिल्कुल बनने मुश्किल हो जाएंगे। पानी का हाथ लगा लगा के बांधने पड़ते हैं, बार बार पानी का हाथ लगाना पड़ता है। एक तो ये गर्म नहीं लगता और जल्दी बन जाते हैं इस तरह से। तो देखिए हमने लड्डू बना लिए हैं। सभी लड्डू बन गए हैं। ये मैं सूखी चुलाई ले आई हूँ, जो चुलाई बच गई थी, लड्डू बनाए थे हमने बाकी जो बचा कर रख ली थी, अब उसमें लपेट मतलब उसमें अच्छे से इनको डिप करके रख रहे हैं लड्डू को, क्योंकि एक तो लड्डू सूखी चुलाई में लपेट कर रखते हैं तो आपस में चिपकते नहीं हैं और अच्छे भी रखते हैं। सभी लड्डू को हम ऐसे ही कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे लड्डू तैयार हैं, आइए आप भी हमारे साथ लड्डू खाइए।